नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। सो दोस्तों, अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि इंडस्ट्रीज में क्या होता, वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। स्पेशली अगर आप प्लास्टिक फील्ड से हो, आप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में या प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ों पर इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और हर तरीके से आपको हर एक चीज़ सिखा दूंगा, आपको बता दूंगा कि चीज़ें कैसे होती। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाइएगा और साथ साथ बेल की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप नोटिफाइड रहें, हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक वो एज अ नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे, जानते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब बेहतरीन होंगे, घर पे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी प्रोटेक्टेड। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो इस फोर्थ लेक्चर पे आज हम डिस्कशन करेंगे रोटेशन मोल्डिंग के टाइप्स ऑफ हीटिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, रोटेशन मोल्डिंग इस समय हमारा चल रहा है, तो रोटेशन मोल्डिंग पे हम बात करेंगे कि हीटिंग सिस्टम कौन कौन से हम प्रोवाइड कराते हैं अपने रोटेशन मोल्डिंग, जिसको हम रोटो मोल्डिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके के हम हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका हॉट एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम इन ओवन, मतलब ओवन के अंदर हॉट एयर सर्कुलेट कराते हैं। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे जो आता है, वो आता है डायरेक्ट फ्लेम हीटिंग, डायरेक्ट फ्लेम के थ्रू हम हीट कराते हैं अपने मोल्ड को। और थर्ड आता है हॉट ऑयल एयर जैकेटिंग। तो ये तीन तरीके हैं, आइए समझते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं, एक एक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या इसका फंक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फर्स्ट है हमारा, जैसा कि मैंने बताया, हॉट एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम इन ओवन। अब ओवन क्या होता है? ओवन होता है कोई भी चीज जो कि पूरी तरीके से पैक्ड हो, जहां पे एयर वगैरह कुछ ना जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं ओवन। तो जैसा कह रहा है हॉट एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम, तो बहुत कॉमन सा चीज है, आप समझिए। हॉट एयर सर्कुलेटिंग मतलब कि हम गर्म हवा को सर्कुलेट कराएंगे ओवन के अंदर। तो बहुत इजी प्रोसेस होता है, कि जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस दिखाई वाटर टैंक वगैरह बनने की, तो इन सब में जो है हम यही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में ट्रेडिशनल और ट्रेंड में यही सिस्टम है। अगर आप रोटेशन मोल्डिंग चलाते हो, तो आपको पता होगा कि हॉट एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम एक चैम्बर के अंदर ही हम पैक करके हम चला रहे हैं इस समय सारे मोल्ड्स को। तो बहुत सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि एक ओवन होता है, ओवन या आप कह लीजिए उसको चैम्बर कहते हैं हम। ओवन या चैम्बर मतलब वो चैम्बर जो होता है वो पूरा ओवन का काम करता है। तो उस चैम्बर के अंदर जो बंद चैम्बर होता है, उसके अंदर ही हमारे मोल्ड को हम लेके जाते हैं। मोल्ड उसी के अंदर जाके पैक हो जाता है, चैम्बर पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, जहाँ पे कोई एयर वगैरह जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है, चैम्बर के अंदर धीरे धीरे मोल्ड हमारा सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे रोटेट करता है दो एक्सिस पे। जब दो एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसी के अंदर क्या होता है, हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? हम हीट प्रोवाइड कराते हैं किससे? गैस फ्लेम के द्वारा और बर्नर के द्वारा हम वहाँ पे हीट प्रोवाइड कराते हैं। जब ऐसे होता तो फिर वहाँ पे क्या है, ब्लोअर लगा होता है। उस हीट को ब्लोअर जब एयर मारता है, तो वो हीट पूरे आपके चैम्बर में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे आपका मोल्ड इवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो पाता है। और आपका जो रॉ मटेरियल है, वो चारों तरफ एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोट हो पाता है, चारों तरफ चिपक पाता है, ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छा बन पाता है, एक सॉलिड, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका वॉल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये एक पहला हमारा पॉइंट जो था हॉट एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम का। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट फ्लेम हीटिंग, मतलब कि डायरेक्टली हम फ्लेम के द्वारा अपने मोल्ड को हीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका ये मोल्ड है, ये हमारा मोल्ड है, ये रोटेट कर रहा है दो एक्सिस पे, अपना रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली। हम एक फ्लेम, एक गैस फ्लेम या एक फ्लेम प्रोवाइड कराते हैं, यहां से डायरेक्ट ये फ्लेम ऐसे जाएगा, फ्लेम यहां पे जाके हीट कराता है, मोल्ड ऐसे रोटेट होता रहेगा और फ्लेम के थ्रू हीट होता रहेगा, हीट होगा। लेकिन पता क्या होता है कि वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता, वो फ्लेम जो हीट कराता आपका, वो मोल्ड पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इस मेथड पे हम कोई चैम्बर नहीं बना रहे, मोल्ड डायरेक्टली ओपन सरफेस है, ओपन में वो रोटेट हो रहा और वहीं से हीटिंग प्रोवाइड हो रही। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है, ये पहले इस्तेमाल किया जाता था, जब से चैम्बर सिस्टम आ गया इसका इस्तेमाल बेहद कम हो चुका है। पर मेथड है, एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को जानना जरूरी होता है। आज भी लो स्केल इंडस्ट्रीज पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पे चैम्बर वगैरह की कॉस्ट, ओवन वगैरह की कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होती है, तो यहां पे ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमारा लास्ट मेथड है हॉट ऑयल एयर जैकेटिंग, मतलब हॉट ऑयल जैकेटिंग मतलब कि हम एक गर्म जैकेट प्रोवाइड कराते अपने मोल्ड पे। फॉर एग्जांपल, ये मोल्ड है हमारा,
यहाँ पे हम चारों तरफ से एक जैकेट प्रोवाइड करा देते हैं, ये चारों तरफ से एक लेयर बना देंगे। वहां से क्या होगा, हम एक हॉट ऑयल को ट्रांसमिट कराएंगे, ऑयल हमारा चारों तरफ दौड़ता रहेगा मोल्ड के, और मोल्ड गर्म होता रहेगा, मोल्ड कंटिन्यूअसली गर्म होगा, हीटेड होगा, और वहां पे जो हमारा रॉ मटेरियल होगा, जो कि पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो इजिली फ्लो होके वहां पे स्टिक करेगा, स्टिक करके हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो दोस्तों ये जो तीनों स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप्स को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। हम फिगर्स ड्रॉ करेंगे, उन फिगर्स के थ्रू हम समझेंगे कि डिटेल में कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं इनमें। तो वो डिटेल में जब हम फिगर के थ्रू समझेंगे तो आप एक बेहतरीन आइडिया, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से चीजों को समझ पाओगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलता हूं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।